यूपीपीसीएस परीक्षा में सामान्य अध्ययन की जो भी पेपर्स पिछले सालों में हुए हैं उन सभी को अगर आप गौर से देखेंगे तो सभी विषयों से प्रश्नों को पूछे जाने की एक प्रवृत्ति रही है कि कितने प्रश्न किस विषय से पूछे जाते हैं। उन्हें ध्यान से देखने पता चलता है कि इतिहास 25 से 30 है, ज्योग्राफी 20 से 25, यानी सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, इतिहास से आते हैं। करंट अफेयर्स कभी इतिहास से ज़्यादा आ जाता है और कभी इतिहास से कम आ जाता है। करंट अफेयर्स कभी कभी 40 भी आ जाता है ना। अब तो जैसे हालात बन रहे हैं, समसामयिकी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज़्यादा, तो मैं तो कह सकता हूँ कि 45 भी आ सकते हैं करंट अफेयर्स से सवाल। तो करंट अफेयर्स को जो लोग ये मानकर पढ़ते हैं कि लास्ट के 15-20 दिन में वार्षिकी खरीद लेंगे और वार्षिकी को पढ़ लेंगे, हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए तब समस्या हो सकती है जब करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ दिया जाए। इतने सारे डेटाज और आंकड़े पूछ लिए जाते हैं और यूपीपीसीएस की परीक्षा बदनाम भी रही है। आंकड़े आपसे 3-3 साल पहले के पूछे जा सकते हैं कि वर्ष 2016-17 में देश में ये प्रोडक्शन कितना था, 2016-17 में ये निर्यात कितना था, है ना। बहुत सारे आंकड़े उसमें कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो वो अनिश्चित होता है, वो अपवाद भी होता है, हर साल ऐसा नहीं होता है। तो हमें मानकर चलना चाहिए कि करंट अफेयर्स से जो सवाल आएंगे वो एक साल के भीतर के रहेंगे। एक साल के भीतर का हमें अध्ययन करना चाहिए, पिछले एक साल का अध्ययन तो जरूर कर लेना चाहिए। यह अलग बात है कि योजना परियोजना जो सरकारी जन कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं या आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास से संबंधित हों, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो स्कीम्स होते हैं, है ना, पर्यावरण से संबंधित स्कीम्स होते हैं, जनसंख्या रिलेटेड होते हैं, खाद्यान्न से रिलेटेड होते हैं, तो जो भी स्कीम्स हैं वो कवर कर लेने चाहिए। अलग अलग मंत्रालयों की स्कीम्स होते हैं, वो एक साल के पुराने भी पूछे जा सकते हैं। तो करंट का कोई बहुत ठोस ट्रेंड नहीं है कि नहीं एक साल पुराना ही पूछा जाएगा या पिछला। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे खबर पिछले 6 महीने के पूछ लिए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि केवल पिछले 6 महीने का मैगजीन पढ़कर जाए, तैयार रहना पड़ता है। वर्ष 2016 और पिछले 2 वर्षों के जीएस प्रश्न पत्र कुछ और कहानी कह रहे हैं। वर्ष 2017 और 2018 का जीएस का पेपर देखिए तो उसमें झुकाव धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल की तरफ बढ़ा है। अभी तक पीसीएस की परीक्षा पूरी तरह फैक्चुअल होती थी, यानी 150 प्रश्नों में से मुश्किल से 7-8 सवाल कॉन्सेप्ट से पूछ लिए जाते थे, लेकिन 2017 और 18 के प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो उसमें एक झलक मिलती है कि थोड़ा सा यूपीएससी के नज़दीक ले जाने का प्रयास कर रहा है, फिर भी एक सीमा रेखा है उसकी। आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में एक सीमा रेखा है और रहेगी। जैसे आईएएस के कॉन्सेप्चुअल सवाल जो पूछे जाते हैं प्रीलिम में, आपके अवधारणात्मक समझ से संबंधित, फैक्ट नहीं पूछा जाता है, आपकी अवधारणात्मक समझ पूछी जाती है, तो वहां पे किताबों में नहीं मिलता है वो डायरेक्ट, वो जो पूछा जाता है वो डायरेक्ट किताबों में नहीं है, किसी भी किताब में डायरेक्ट नहीं लिखा होता है। यूपीपीसीएस में कितना भी अवधारणात्मक पूछा जाएगा वो लाइनें किसी किताब में जरूर मिल जाएंगी, ऐसा होता है। तो यूपीपीसीएस की परीक्षा यूपीपीसीएस की रहेगी और आईएएस की आईएएस की रहेगी, सिलेबस कितना भी मिला दिया जाए। तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, करंट अफेयर्स के सवाल मैंने बोला हिस्ट्री से ज्यादा पूछे जा सकते हैं, अलग अलग वर्षों में वेरिएशन अलग अलग है। सामान्य विज्ञान सामने कुछ लिखा हुआ है, पर्यावरण जनसंख्या नगरीकरण हाल के वर्षों में तेजी से इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तेजी से ऊपर की तरफ इसका ग्राफ जा रहा है ना। वर्ष 2013, 2014, 2015, 2016 इस तरह से करते करते इसका ग्राफ लगातार बढ़ा हुआ है, तो हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इंडियन पॉलिटी 15 से 20 सवाल आते हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा पिछली बार भी एक बार कहा है कि इंडियन पॉलिटी से कोई नया सवाल नहीं बनता है, बहुत इंडियन पॉलिटी मुझे मेरे ख्याल से एक सबसे आसान सेक्शन है जिसमें आप पिछले वर्षों के पेपर हल करके उसकी व्याख्या भी पढ़ लोगे, पिछले वर्षों के जीएस पेपर में पॉलिटी हल करके उसकी व्याख्या भी पढ़ लोगे। तो अगर 15 सवाल पॉलिटी से आएंगे तब भी आपके कम से कम 12 सही होंगे, आपने खुद भी अनुभव किया होगा, आसान सवाल होते हैं इंडियन पॉलिटी के। इकोनॉमी के सवाल टफ होते हैं, ज़्यादातर डेटाज वगैरह से पूछे जाते हैं, डेटाज वगैरह के सवाल किसी किताब में होते नहीं क्योंकि हर वर्ष बदल जाते हैं, और डेटाज किताब में मिलते भी हैं कहीं तो जल्दी ढूंढने में मिलता नहीं कि किस किताब से उठाया है, ये आमतौर पर किसी सरकारी वेबसाइट पर मिलता है वो जाकर, है ना, किसी सरकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर होता है, तो कभी कभी ऐसे डेटा उठा ले जाते हैं।
तो मैं ये कहने के लिए आया हूँ, एनालिसिस मैं पिछले भी वीडियो में कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि आप कैसे क्या पढ़ेंगे। मैंने इसमें सबसे ठोस बात जो बताई थी वो ये बताई थी, पिछली बार जब बताई थी तो मैंने कहा था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, जनसंख्या, नगरीकरण को समेट के अगर आप पढ़ लेंगे तो पीसीएस प्रीलिम नहीं रुकता है। मैं बस इतना ही पढ़ के जाता था जब परीक्षा देता था, ये नहीं पढ़ता था ये कभी नहीं पढ़ता था और मेरा प्रीलिम कभी नहीं रुका। ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां जरूरत पढ़ता था मुख्य परीक्षा के लिए से, क्योंकि उसमें मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे, लेकिन प्रीलिम परीक्षा पास करने के लिए इतना खूब होता था। मान लेते मैंने इंडियन पॉलिटी में थोड़ा कम किया, मैं अपने ज्योग्राफी में बढ़ा लेता था। मान लेते मैंने इकोनॉमी में थोड़ा कम किया, मैं अपने हिस्ट्री में खूब बढ़ा लेता था। हिस्ट्री सवाल मुझसे गलत कभी नहीं होते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना ढंग से इसको कवर कर लो कि 100 से बहुत ऊपर चले जाओगे। फिर 150 में से 100 आमतौर पर कट ऑफ माना जाता है, जनरल के लिए माना जाता है कि 150 कट ऑफ तो आपका जीएस पेपर पे ही बनता है, सीसेट तो क्वालिफाइंग है, तो कट ऑफ एक 150 प्रश्नों में से निकाला जाता है कि सिक्योर रहने के लिए 103 या 104 प्लस 104, सिक्योर रहने के लिए 104 जनरल के लिए जरूरी माना जाता है। 150 प्रश्नों में से माना जाता है कि आप 104 हल कर लेंगे तो आप सेफ साइड रहेंगे, उसी दिन आंख मूंद करके आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। 104 से नीचे रहने पर थोड़ी समस्या आ सकती है, संदेह का वातावरण बना रहता है, मुख्य परीक्षा की तैयारी में मन नहीं लगता है, लोग परेशान रहते हैं थोड़ा सा 104 से कम रहता है। क्यों? क्योंकि पिछले वर्षों में उन्होंने देखा है जिनका 101 रहा, 102 रहा, मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, प्रश्नों की संख्याओं की, 102 या 103 भी हल किया है तो छट गए फिर। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपका प्रयास होना चाहिए कि 104 प्लस करिए, और करने वालों ने कहाँ तक किया है, 125 भी किया है, 150 में से करने वालों ने 125 भी हल किया है, उनकी स्ट्रेटजी सही है। प्रीलिम के ठीक पहले अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं, 24 घंटे बैठे रहते हैं खाना पीना नहाना छोड़कर, तो होगा क्यों नहीं जब आंकड़े फैक्ट अधिक पूछे जाते हैं। ये भी इस बार भी ये सत्य रहेगा कि आंकड़े फैक्ट्स ज़्यादा ही पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पूछे भी जाएंगे तो कम ही रहेंगे। कॉन्सेप्ट कभी भी 50% प्रश्नों को पार नहीं करेंगे, 50% से कम प्रश्न ही कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, 50% से अधिक प्रश्न फैक्चुअल पूछे जाते हैं पीपीसीएस में। मेरे पास आपके लिए एक प्लान है, बैच है यूपीपीसीएस प्रीलिम एग्जाम, डेट है 15 दिसंबर को, इसकी डेट है 15 दिसंबर को। आपको तैयारी के लिए मिल कितने रहे हैं? आपको तैयारी के लिए 115 दिन मोटा मोटा मिल रहा है। मैंने 82 दिनों का एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है आपके लिए, आप चाहें तो इसे आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए। 82 डेज कोर्स है ये। 82 डेज कोर्स मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि बीच में दशहरा है, दीपावली है, अन्य बातें हैं, संडे है, ये सब छोड़कर मैंने 82 डेज का कोर्स बनाया है। इसमें डेली 3 घंटे की वीडियो मिलेगी, एक साथ 2 सब्जेक्ट चलेंगे, रोज एक साथ 2 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ाए जाएंगे। ये दोनों सब्जेक्ट की नोट्स आपको प्रत्येक सप्ताह के अंत में नोट्स मिल जाया करेगा, ठीक है, प्रत्येक सप्ताह के अंत में नोट्स मिल जाया करेगा। जब 5 दिसंबर आ जाएगा तो लगभग 5 दिसंबर से हम 10 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराएंगे। ये प्रैक्टिस सेट मैं अपनी निगरानी बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद होगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई कोर कसर है तो करंट अफेयर्स और तमाम विषयों के, जैसे पर्यावरण, जनसंख्या, नगरीकरण, करंट अफेयर्स, तमाम चीज़ों के प्रश्न इस तरह के इसमें शामिल कर दिए जाएं कि सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। क्योंकि ये 10 प्रैक्टिस सेट छोटे मोटे नहीं होते हैं, 1500 प्रश्नों की श्रृंखला होती है और आज की जरूरतों के लिहाज से होगी 10 प्रश्नों की जो सेट, 10 प्रश्न पत्रों का सेट आपको दिया जाएगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ज्वाइन करने का तरीका है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में 10 या 12 नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, काउंसलर्स के हमारे, आप उनसे ज्वाइन करने का तरीका पूछ सकते हैं, मोबाइल नंबर दिया गया है, या फिर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9005815849, 9005815849। इस पे आप एंट्री यूपी पीसीएस लिख के भेज देंगे
एंट्री यूपी पीसीएस, एंट्री लिख लीजिएगा, एंट्री यूपी पीसीएस लिख के जब भेजेंगे तभी आपको पीसीएस रिलेटेड जानकारियां दी जाएंगी। प्रवेश प्रक्रिया क्या है, फीस क्या है, ये सब बताया जाएगा। वैसे फीस मैं बता दूं, यहाँ पे भी बता सकता हूँ, फीस काफ़ी सोच विचार कर 3,000 रुपये रखे गए हैं। आप सब कुछ देख, आसपास हर चीज़ देख समझ कर इसकी फीस 3,000 रुपये रखी गई है ना, ताकि आपका विश्वास भी बना रहे, ऐसा ना हो कि इसको हम रद्दी के भाव करें, या तो फिर या तो एक तरीका है कि निःशुल्क कर दें, पूरी तरह से निःशुल्क कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर शुल्क लगा रहे हैं तो 3,000 शुल्क मैंने लगाया है इस पर, है ना। बाकी अध्यापकों से बातचीत करके, उनकी सैलरी को ध्यान में रखकर, सारी चीज़ों को मैंने ध्यान रखा है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जीएसटी नहीं पे करता हूँ, 18% जीएसटी जाती है हर मंथ सरकार के लिए, जाता है 18% जीएसटी वस्तु और सेवा कर, सरकार छोड़ती नहीं। क्यों, आपको क्या लगता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में सरकार छोड़ देगी? कभी नहीं छोड़ेगी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि सबसे पहले तो 18% जीएसटी फिक्स हो जाता है। जो लोग सड़क के किनारे कोचिंग खोलकर बैठे हैं, वहाँ पर जाइए, देखिए क्या हाल है ना। सड़क के किनारे डी गैंग है, सड़क के किनारे डी गैंग। अब डी गैंग का नाम आप जानते हैं क्या है, जो डी गैंग के लोग हैं, बोरिए के बोरिए पैसा उठाते हैं और एक पैसा सरकार को जीएसटी नहीं जाता है। क्यों, सारा पैसा काउंटर पर नगद लेते हैं। तो यहाँ वैसा कुछ नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में अगर आप 100 रुपये देते हैं तो उसका 18 रुपये सरकार के खाते में जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको अपने मुद्दे पर रहना चाहिए। 15 दिसंबर को परीक्षा है, 82 दिन का कोर्स है, 82 दिन लगातार टीचरों से 3-3 घंटे आपकी पढ़ाई होगी। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपका एक सवाल है, मैं उसमें ज्योग्राफी का मैं पहले बता दूँ, जो प्राकृतिक भूगोल है, जैसे भारत का अवस्थिति विस्तार, नदियाँ, मिट्टी, भारत की जलवायु, वनस्पति, भारत की चट्टानें, जो भी प्राकृतिक भाग है, प्राकृतिक वाला हिस्सा मैं कवर करवाऊँगा। और जो आर्थिक खंड है, कृषि, उद्योग, परिवहन, खनिज संसाधन, ऊर्जा परिदृश्य, यानी जो भी आर्थिक खंड है वो अभिषेक सर कवर करवाएंगे। अभिषेक जी उसमें ज़्यादातर डेटाज और आंकड़े होते हैं, वो अभिषेक जी कवर करवाएंगे। जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, भारत की नदियाँ, अवस्थिति विस्तार, भारत की चट्टानें, और वर्ल्ड में भी जो प्राकृतिक वाला खंड है वो मैं कवर करवाऊंगा, और वर्ल्ड में भी आर्थिक वाला खंड अभिषेक जी कवर करवाएंगे। मैं पहले से बता दूं कि इसमें जो भी लेक्चर होगा वो आपकी सोच के हिसाब से नहीं रहेगा, कि सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं, आपने बताया ही नहीं, ये तो आपने छोड़ दिया। तो 82 दिन में और क्या चाहते हैं, कि एक साल का कोर्स नहीं खत्म किया जा सकता है 82 दिन में। एक साल का कोर्स आईएएस परीक्षा में बैच चल रहा है, ये केवल 15 दिसंबर पर फोकस है, ये केवल 15 दिसंबर पर फोकस है, ताकि 15 दिसंबर वाली बाधा नहीं रुकेगी और आप 82 दिनों में हमारे हिसाब से चल लेंगे। रोज 3 घंटे वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे, पीडीएफ नोट्स पढ़ेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, तो पीसीएस प्रीलिम परीक्षा नहीं रुकेगी। ये टारगेट विद आलोक इंस्टीट्यूट का अनुभव और मानना भी है। तो आइए इसमें हम अपने सोच और समझ से पढ़ाएंगे, जितना जरूरी लगेगा वही आपको दिया जाएगा। हम ये मानकर पढ़ाएंगे कि आपने पिछले 1-2 साल स्टडी की है। आप एकदम ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कहें कि सर कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ाइए, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, ठीक ठाक पढ़ी हैं। तो आप आइए यहाँ पे हमारे कोर्स के लीजिए, हम आपका कोर्स यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, ये हमारा कोर्स है। जब किसी के कोर्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें उसके कोर्स को लेना पड़ता है, तो इस कोर्स को ज्वाइन करिए, लक्ष्य इस पर रखिए, ये नहीं रुकेगा, ठीक है, शोर शराबा नहीं मचाना है। हाँ, वीडियो कितनी बार भी देख सकते हैं, एडमिशन आज से लेकर 24 अगस्त एडमिशन तो कल से ही खुला हुआ है, 10-12 लोगों के एडमिशन हो भी गए हैं पिछले नियर अबाउट, अभी ज़्यादा नहीं 20 घंटे हुए हैं, ज़्यादातर लोग एडमिशन लास्ट के 3 दिनों में लेते हैं ऐसा देखा गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 अगस्त से एडमिशन ओपन है, 19 अगस्त से, कल से ही हो रहा है, आज 20 अगस्त है, 24 अगस्त तक एडमिशन हो रहा है। आप आइए, धुन के मेहनत किया जाए चाप के, देसी भाषा में कहें तो, नोट्स अपडेटेड होंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि नोट्स में धक्कानुसी बातें ना भेजी जाएं, आपको यूपी पीसीएस की जरूरतों के हिसाब से भेजी जाए, अपडेटेड हो, आज के आंकड़े जो करंट आंकड़े हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के, चाहे भूगोल के, चाहे योजना परियोजना हो, मिशन हो, कोई भी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें करंट हो, वो छूट रह ना पाए, सब कुछ अपडेटेड भेजा जाएगा। तो इंतजार कर रहा हूँ, आप इस पर व्हाट्सएप लिख के आप यूपी पीसीएस भेज दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ भी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।